अगर वो NH2 बन गया तो NH2 बना तो 1 डिग्री अमीन बना या 2 डिग्री अमीन बना, तो सिर्फ इससे कौन सा अमीन बना सकते हो आप? अच्छा अगर मैं ये वाला 1 डिग्री अमीन दू, टसी ब्यूटाइल 1 डिग्री अमीन, ये बना सकते हो कि जब ये N अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो N पे माइनस चार्ज आएगा। HBZ रिएक्शन क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है, बस आप इसमें I2 यूज नहीं कर सकते और F2 यूज नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, वो मैकेनिज्म से समझ आएगा। अब आपको बताना है कि ये एसिड हैलाइड और Br2 की क्या रिएक्शन होगी। O माइनस बनेगा, फिर O माइनस का Br पे अटैक कर देंगे तो उससे तो क्या होगा, वो बनेगा OBr, ऑक्सीजन हैलोजन बॉन्ड। अब आप ये बताओ, इनॉल एक न्यूक्लियोफाइल है कि इनॉल एक इलेक्ट्रोफाइल है? आगे लिखो, आप लिखो एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस में ये लिखो, दो नेम रिएक्शन करेंगे जिसमें हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व होता है। एक होता है गैब्रियल हैलामाइड सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री एमीन। पूरा नाम लिखो, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री एमीन। वैसे नाम से ही सब समझ में आ रहा है कि जो गैब्रियल है वो क्या कहता है, थैलामाइड से आपको क्या बनाना है, 1 डिग्री एमीन। ब्रैकेट में लिखना है एलिफैटिक 1 डिग्री। पढ़ते रहो, तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे, मौसम बदलेगा, सब अच्छा होगा। क्या भाई समझे तुम, समय बदलेगा उनका जो चलते रहेंगे। कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त आएगा तुम्हारे अंदर, पूछो मत। तो थैलामाइड याद है तुमको, थैलामाइड किसको बोलते हैं, थैलामाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? एक होता है बेंजीन और होता है सी डबल बॉन्ड ओ NH, ये होता है ना थैलामाइड। आपको क्या करना है, थैलामाइड में एक तो यूज करना है कंसंट्रेटेड बेस QH, फिर आपको यूज करना है हैलाइड और तीसरा करना है आपको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, है ना। ये तीनों प्रोसेस करोगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा 1 डिग्री अमीन और प्लस बनेगा सॉल्ट ऑफ हैलिक एसिड। इसको लिखो और इसका मैकेनिज्म ट्राई करो। थोड़ा और बेटर लिख सकते हैं अपन, ये वाला है ना, इसको ऐसे लिखें, QH वाटर। मैकेनिज्म लिखना है आपको पूरा, इसमें दो KOH है, दोनों KOH का डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको?
एक कंसंट्रेट बेस है और एक डाइल्यूट बेस है, क्योंकि अगर आपने शुरू में डाइल्यूट बेस डाल दिया ना तो यहीं पे इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और सीधा ये बन जाएगा प्लस एमोनिया बन जाएगा। तो पहले कंसंट्रेट बेस डालने से बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बताओ एसिड बेस, और ये हमारा हाईली एसिडिक एच है ना, एनएच का एक्टिव मिथिलीन और उस पर भी नाइट्रोजन लगा है और ज्यादा एसिड है। पहला स्टेप हुआ हमारा एसिड बेस, ये स्टेप किया आप लोगों ने, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हाँ, एन माइनस का अटैक होगा हैलाइड पे, तो ये कौन सा मैकेनिज्म लिख रहे हैं हम, ये हम कर रहे हैं SN2, SN2 करने के बाद ये बन जाएगा इथाइल लग जाएगा ना, इसका नाम क्या है, इसको बोलेंगे एन इथाइल थैलामाइड। अब बताओ इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां कार्बन पे OH और नाइट्रोजन पे H लगाएंगे ना अपन, और फिर नीचे वाला भी अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे कार्बन पे OH और नाइट्रोजन पे H, तो यही तो बनेगा हमारे पास, प्लस बेसिक मीडियम में एसिड का क्या बन जाएगा, उसका सॉल्ट बन जाएगा। लिखो इसको, ये हमारा एनसीईआरटी में भी बहुत हाईलाइट करके दिया है, जेई के सिलेबस में भी है। ये तीनों स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप है एसिड बेस, दूसरा स्टेप क्या था हमारा SN2, और तीसरा है हमारा हाइड्रोलिसिस। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि हमने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस क्यों किया, क्योंकि हमको क्या बनाना है, एमीन्स। एमीन्स कौन से मीडियम में स्टेबल होंगे बताओ, बेसिक, इसलिए हम कौन सा हाइड्रोलिसिस करेंगे, बेसिक हाइड्रोलिसिस। तीनों स्टेप लिखो अच्छे से, प्रॉपर एरो बना के लिखना, ऐसे कि ये लोन पेयर गया एच लिया, एनएच के बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो गए। लिख लिया सबने, सिंघानी जी का दोस्त लेवल वन में प्रमोट हो गया है। चलो भाई, मैंने तुमको बात करते हुए देखा है, जाओ पीछे, जाओ पीछे बेंच पे जाओ लास्ट पे। सिंघानी जी बात थोड़ी करते हैं यार, तुम मतलब बदनाम कर रहे हो अच्छे बच्चे को, तुमको पता है ना सिंघानी जी को वैसे भी कुछ होना नहीं उनका, मतलब पनिशमेंट की तरह की बात करो। सिंघानी जी जगह दो उसको, प्रमोट हो गया वो लेवल वन में, बाकी लोगों ने बना लिया भाई। अच्छा, आप इसको देख के बताओ कि इसमें हमने ये क्यों लिखा कि हम 1 डिग्री एमीन बनाएंगे, वो भी एलिफेटिक बनाएंगे, इसमें 2 डिग्री एमीन क्यों नहीं बनेगा, SN2 तो कर लेंगे ना, 2 डिग्री भी बना सकते हैं, 2 डिग्री एमीन में क्या दिक्कत है। उसके लिए पहले हमको ये बताना है कि 2 डिग्री एमीन कैसा होता है, 2 डिग्री एमीन किसको बोलते हैं हम, 2 R ग्रुप रहेंगे ना, तो जैसे अगर 2 डिग्री एमीन बनाना है हमको, तो जैसे हम एक तरफ NH, एक तरफ R और दूसरी तरफ R ऐसे लगाएंगे ना, ऐसा होना चाहिए ना 2 डिग्री एमीन। तो अब बताओ इसमें दिक्कत क्या आएगी, इसमें दिक्कत आएगी लास्ट स्टेप में, देखो ना क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ N के ऊपर 2 H ऐड हो रहे हैं ना, अगर वो NH2 बन गया तो NH2 बना तो 1 डिग्री अमीन बना या 2 डिग्री अमीन बना, 1 डिग्री, क्योंकि जब अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो नाइट्रोजन पे 2 H लगेंगे और 2 H का मतलब वो 1 डिग्री अमीन बनेगा, 2 डिग्री नहीं बन सकता वो, समझे आप। तो सिर्फ इससे कौन सा अमीन बना सकते हो आप, 1 डिग्री। दूसरा बताओ इसमें एरोमेटिक अमीन्स क्यों नहीं बना सकते, एरोमेटिक अमीन का मतलब जैसे यहां पीएच NH2 है, एनिलीन है, ये एरोमेटिक एमीन, हम ये नहीं बना सकते इसमें,
बताओ ये क्यों नहीं बना सकते? हाँ एसएन टू नहीं होगा ना, इसको बनाने के लिए हमको यहाँ पे हैलाइड लगाना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा क्लोरोबेंजीन को रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। तो क्या हम ये उसके ऊपर एसएन टू कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते। तो हम सेकेंडरी ट्रसी एमीन नहीं बना सकते, हम एरोमेटिक एमीन नहीं, हम सिर्फ बना सकते हैं 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, समझे आप? तो नीचे लिखो, आप नीचे लिखो, फॉलोइंग एमीन्स कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय, फॉलोइंग एमीन्स कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय अबव रिएक्शंस, अबव रिएक्शन, फॉलोइंग एमीन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय अबव रिएक्शन। जैसे 2 डिग्री एमीन बना लो, क्रॉस कर लो, 3 डिग्री एमीन क्रॉस कर लो, एनिलीन बना के क्रॉस कर लो, अच्छा अगर मैं ये वाला 1 डिग्री एमीन दूं, टसी ब्यूटाइल 1 डिग्री एमीन, ये बना सकते होगे? हाँ ये भी नहीं बना सकते ना अपन। भाई अपने को करना क्या होता है, इस NH2 को हटा के यहां पे हैलाइड लगाना होता है ना, तो यहां पे SN2 नहीं होगा, अपन ये भी नहीं बना सकते, मतलब अपने को SN2 कंडीशन भी ध्यान रखनी है। ये जो अभी मैंने नेक्स्ट बनाया है, ये बना सकते हो क्या? ये बना सकते हो ना, बेंजाइल हैलाइड बना लेंगे, यहाँ पे NH2 हटा के क्या लगाएंगे, हेलोजन, ये बन जाएगा। फॉलोइंग एमीन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल, वो यहां तक लिखना है, फिर आगे एक दो एमीन्स ये बना देना, हाँ हम ये बना सकते हैं। आगे बढ़े, अब नीचे लिखो, एग्जाम्पल लिखो, ये एग्जाम्पल बनाने हैं आपको विद मैकेनिज्म। पूरा मैकेनिज्म लिखो और फाइनल प्रोडक्ट बनाओ इन।
ओके, लास्ट वाले में साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा है, एम मींस प्लस प्रोडक्ट जो बन रहा है वो साइक्लिक रिंग बन रहा है नया, ये हिंट है, उसके हिसाब से ट्राई करो। ओके, पहले वाले में बेंजाइल ब्रोमाइड बनाया होगा ना आपने, पहले एसिड बेस SN2 एंड देन हाइड्रोलिसिस है ना, सेकेंड वाले में क्या होगा, अगेन एसिड बेस अगेन SN2 एंड देन हाइड्रोलिसिस, एक तो मिथाइल एमीन्स, हैलाइड एमीन मिलेगा, सॉरी ये तो रिएक्टेंट ही है अपना, सॉरी सेकेंड वाले में मिथाइल एमीन प्लस ये सेम सॉल्ट ना, थर्ड वाले में क्या किया, लास्ट में हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनेगी इसकी, मतलब आप है ना इसमें अल्कलाइन हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजीन भी डाल सकते हो, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन, हम पहले भी यूज कर चुके हैं इसको, हाइड्रोजीन फॉलोड बाय QH हीट वुल्फ किस्टनर रिडक्शन में। तो अब बताओ लास्ट वाला कैसे करेंगे, लास्ट वाले में पहले स्टेप में आपको कोई दिक्कत नहीं है, पहला स्टेप क्या होगा हमारा, एसिड बेस,
फर्स्ट स्टेप आपने इसका एसिड बेस कर दिया ना, इस पे एन पे चार्ज आया माइनस, अब बताओ दूसरा स्टेप क्या होगा, एसएन टू एसएन टू में हम एन माइनस का अटैक कर रहे हैं, ये रेजोनेंस करके ओ माइनस का अटैक क्यों नहीं कर रहे, हैं बोलो, क्योंकि कोई सॉल्वेंट नहीं है तो पोलर प्रोटिक होगा ना सॉल्वेंट, तो पोलर प्रोटिक में एन माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ओ माइनस, वो सॉल्वेंट हो गया पोलर प्रोटिक में, है ना। इसके बाद आपने यूज किया हाइड्रेजीन, अब ये जो हाइड्रेजीन है ना ये एक न्यूक्लियोफाइल है, कैसे, नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक करेगा, पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा फिर सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी हमने कौन सा मैकेनिज्म लिखा, हमने लिखा ऐसे नहीं लिखा इसका, समझे आप, तो ऐसे नहीं लिखने के बाद बनेगा क्या, देखो ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, यहां आएगा एन एच इथाइल, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O NH NS2। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि जब ये N अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो N पे माइनस चार्ज आएगा और इस N पे प्लस आएगा, तो ये N माइनस इसका H लेके एमीन्स बना लेगा, NH बन जाएगा, वो N माइनस की जगह NH लिख दिया मैंने, है ना। अब ये दोनों ये इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्ट करके ऐसे रिंग बना लेता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग बन जाएगी ऐसे। आपको बताना ये लास्ट वाला स्टेप कैसे हुआ, सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड नहीं है, सिग्मा प्लस एमीन बनेगा, ये समझ में आ रहा है लास्ट वाला स्टेप, लास्ट वाला प्रोडक्ट कैसे बना, कैसे बना लास्ट वाला बताओ, हाँ ये जो एन है ना हमारा ये इंट्रा मॉलिक्यूलर इस पर अटैक करेगा, ये ऐसे नहीं होके कौन निकल जाएगा एन माइनस, और जो एन माइनस निकला है वो इससे एच प्लस लेगा, तो हमारा प्राइमरी एमीन बन गया प्लस ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग बन गया, और ये रिंग एरोमेटिक है, कैसे एरोमेटिक है, इसका आप रेजोनेंस करो या इसका टॉटोमेरिज्म कर दो, वैसे तो वो रेजोनेंस वाली फॉर्म में रहता है, ये ऐसे रहता है वैसे, ये बनाओ ओ माइनस और ये बना O माइनस, नेप्थलीन टाइप की रिंग बन जाएगी ये, समझे आप, ऐसे 10 पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बनेगा, एरोमेटिक हो गया, मतलब मैं इसलिए समझा रहा हूं कि भाई रिंग क्यों बनी, रिंग इसलिए बनी क्योंकि N ही निकल रहा है, N ही अटैक कर रहा है, वो एरोमेटाइज हो रहा है इसलिए रिंग बन गई, वो तो लिखो इसको पूरे को, तो आपको डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि गैब्रियल थैलामाइड में हम क्या यूज करें, तो हम KOH फिर फॉलोड बाय हैलाइड फॉलोड बाय हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं, और या फिर KOH कंसंट्रेटेड बेस हैलाइड एंड डाइल्यूट बेस, आगे बढ़े। आप लोग ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन में आपको सब्सिडी मिलती है टिकट पे, टिकट सस्ता होता है कुछ ऐसा होता है, स्लीपर में ऐसा लिखा आता है सब्सिडी, मतलब पैसा कम लगता है, अच्छा स्टूडेंट के लिए आता है 10% ऑफ मिलता होगा ऐसे,
अपने को रेलवे की हर टिकट पे सब्सिडी होती है सबको। जैसे ही तुम रेलवे का टिकट बुक करोगे ना, तो टिकट बुकिंग में एक ऑप्शन आता है नेशनैलिटी, है ना। अपन बाय डिफॉल्ट इंडियन रहता है, उसमें इंडिया लिखा होता है, तो अपन इंडियन ही है। लेकिन जैसे ही तुम वो नेशनैलिटी चेंज करोगे ना, जैसे मान लो तुमने यूएसए, बर्मा, भूटान कुछ डाल दिया है ना, मतलब आप फॉरेन सिटीजन हो, तो जैसे ही आप ऐड करोगे उस टिकट की प्राइस बदल जाएगी, 1.5 टाइम्स हो जाती है। मेरे को आज ही पता चला, किसी का टिकट बुक करना था तो साथ में वो तीन फॉरेन नेशनल थे, तो मैंने उसको सेलेक्ट पूछा उनका, तो नेशनलिटी क्या है, एक यूएसए का, एक ऑस्ट्रेलिया का, एक म्यांमार का, तो मैंने तीनों कंट्री जैसे सेलेक्ट की उसने प्राइस बढ़ा दी। तो मुझे लगा शायद कुछ ज़्यादा ऐड हो गए, फिर मैंने सर्च करके देखा तो पता चला कि आप जैसे ही फॉरेन सिटीजन होते हो ना, तो रेलवे आपको 1.5 टाइम्स ज़्यादा चार्ज करता है, प्लस वो जो बुकिंग चार्जेज हैं IRCTC के, वो पर टिकट 200 रुपये हो जाते हैं। इसका मतलब हमको हर टिकट में 200 रुपये और प्लस सब्सिडी मिलती है, अपना सस्ता टिकट होता है, समझे तुम। तो जब भी बुक करो समझ लेना मेरे को सब्सिडी मिल रही है, ऐसे खुशी फील करना है कि फॉरेन नेशनल नहीं हो। ऐसा हमारे साथ बाहर होता होगा, फिर जब अपन बाहर जाते हैं तो वो अपने साथ ऐसा करते होंगे, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। लिख लिया पूरा, अब दूसरी रिएक्शन लिखो। एक और हाइड्रोलिसिस की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी, वो लिखो HVZ। नाम सुना आपने इसका, कभी NCERT में गलती से दिख गया हो। ये है अपना हेल्वोलार्ड एंड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल्वोलार्ड जेलेंस्की, लिखो HVZ। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा जेलेंस्की जो है ये तो रशियन है, अभी यूक्रेन अभी बनाना, पहले तो रशिया ही था, USSR। हाँ लिखो HVZ। HVZ रिएक्शन क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें आप यूज करो रेड पी प्लस BR2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो अल्फा एच ऑफ एसिड इज रिप्लेस बाय हैलोजन। अल्फा एच जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, एसिड के अल्फा एच की जगह हैलोजन आ जाएगा। ऐसे अगर आपने यूज किया फॉस्फोरस प्लस Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो नेट रिएक्शन में क्या होगा, अल्फा एच ऑफ एसिड इज रिप्लेस बाय ब्रोमीन और क्लोरीन। बस आप इसमें I2 यूज नहीं कर सकते और F2 यूज नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, वो मैकेनिज्म से समझ में आएगा। कौन सी रिएक्शन हो रही है, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्या है ये, सब्स्टिट्यूशन है ये। अल्फा मतलब इसको सिंपल याद रखना है तो एसिड का अल्फा एच हटके हैलोजन लगेगा, BR2 है तो BR लग जाएगा और Cl2 है तो Cl लग जाएगा। ट्राई करो मैकेनिज्म। वहां नीचे आप लैंग्वेज में लिख लेना, इन HVZ रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस बाय ब्रोमीन और क्लोरीन, ये स्टेटमेंट याद रखना है। इन HVZ रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस बाय, किसे रिप्लेस करेंगे, ब्रोमीन और क्लोरीन।
आगे बढ़े, आप लिखो इसका मैकेनिज्म। एक का मैकेनिज्म मैं बताता हूं, फिर दूसरे का आप ट्राई करना। सबसे पहले क्या होगा, ये फॉस्फोरस और Br2 ये मिलके क्या बना लेंगे बताओ, PBr3। इसका रोल होता है भाई PBr3 बनाना है ना फॉस्फोरस। अब बताओ व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ PBr3 विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड और PBr3 की बताओ क्या रिएक्शन होगी। जब आप PBr3 डालोगे तो ये OH की जगह पे क्या आ जाएगा, हेलोजन आएगा ना। PBr3 PCl5 OH की जगह हेलोजन लगाते हैं ना, ये तो एसिड से एसिड हैलाइड बन जाएगा ना। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये एसिड हैलाइड और Br2 की क्या रिएक्शन होगी। इन दोनों की क्या रिएक्शन होगी ये बताना है आपको। अच्छा Br2 क्या है, Br2 इज इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज ऑफ वेकेंट एंटीबॉन्डिंग है ना। अब बताओ एसिड हैलाइड क्या है, एसिड हैलाइड ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इन दोनों की रिएक्शन कैसे करेंगे बताओ। O- बनेगा, फिर O- का Br पे अटैक कर देंगे तो उससे तो क्या होगा, वो बनेगा OBr, ऑक्सीजन हेलोजन बॉन्ड। वो तो अनस्टेबल होते हैं, बैकवर्ड हो जाएंगे वापस। अप्रोच सही तुम्हारी कि भाई इसी रेजोनेंस करके इसका अटैक करें तो OX बॉन्ड जैसे ना लोन पे रिपल्सन होते हैं, वो अनस्टेबल वापस आ जाएंगे। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि किसी एक को न्यूक्लियोफाइल बनाना पड़ेगा। हाँ टॉटोमेरिज्म, वेरी गुड। अपन जैसे ये वाली CO वाली फॉर्म रिएक्ट नहीं कर रही है ना, इसका टॉटोमेरिज्म करो। तो अगर हम इसका टॉटोमेरिज्म करेंगे तो ये इनॉल बन जाएगा। अब आप ये बताओ इनॉल एक न्यूक्लियोफाइल है कि इनॉल एक इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये एल्कीन है और ये ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है ना इस पे, तो इनॉल जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर कभी भी कीटो फॉर्म रिएक्ट नहीं करे, या ऐसा समझे कि CO के साथ इलेक्ट्रोफाइल दे रखा हो, तो आपको उस समय टॉटोमेरिज्म करना है उसका। अब ये इनॉल है और ये Br2 है, इसका आप करो रेजोनेंस, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, वो नेगेटिव Br2 पे अटैक करेगा। तो इससे क्या बनेगा बताओ, Br CH2 C डबल बॉन्ड OBr। और यहां से जो ये Br- निकला है वो इस H से रिएक्ट करेगा, O प्लस आएगा ना यहाँ पे, तो प्लस साथ में क्या बन जाएगा, प्लस HBr। ये स्टेप समझ में आया कैसे किया मैंने, टॉटोमर किया, इसका रेजोनेंस करो तो इस पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करेगा, ये बन जाएगा। अब आपको लास्ट में क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। अब बताओ रिएक्टिविटी टूवर्ड न्यूक्लियोफाइल किसकी ज्यादा होती है, एसिड हैलाइड की या अल्काइल हैलाइड की। एसिड हैलाइड आपको याद है फर्स्ट होता है रिएक्टिविटी में, इसका वाटर का अटैक होगा और Br निकल जाएगा। तो एसिड हैलाइड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड में, प्लस HBr बन जाएगा। समझे आप, तो ये मैकेनिज्म लिखो पूरा, ऐसे ही Cl2 वाले का लिखो वापस। तो अभिषेक पता है दुनिया में दो लोग जिसपे हम 100% भरोसा करते हैं, कौन कौन थे वो, एक माँ और दूसरा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म भी एक पर्सन है, मतलब इन पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो, बाकियों पे भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, दुनिया अच्छी भी बहुत है। 100% तो ज्यादा हो जाता ना यार, तुम अपनी माँ को कुछ भी चीज बताओगे ना वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। तो आज तुम कहोगे मैं सूट आउट करके आया हूँ एक, है ना, तो ये सही किया बेटा, वो तुमको गलत कहेगी नहीं कभी, सही है नहीं है।
तुम्हारा साथ रहेगी हर सिचुएशन में, अलग बाहर में ठीक है, अंदर ले जाके डांट डपट करने की बात अलग है। तो अभी से जिंदगी जीने के लिए कुछ लोग होने चाहिए जो 100% आप पे ट्रस्ट करे, चाहे आप सही करो चाहे आप गलत करो। वो समझा भी देंगे, जो 100% ट्रस्ट करेगा वो बाद में समझा भी देगा, यार अभिषेक तुमने गलत किया ये, बाद में समझाएंगे। देखिए एक बार तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, ऐसे 4-5 लोग चाहिए जिंदगी में, बस तुम्हारी जिंदगी सही है एकदम। आगे बढ़े भाई, ऐसे Cl2 वाले का मैकेनिज्म लिखो, लिख लिया Cl2 वाला मैकेनिज्म, पूरा सिस्टमेटिक लिखना है, मैकेनिज्म लिख के P+Cl2 PCl3 बना, है ना, OH की जगह Cl लगा, टॉटोमेरिज्म डिट्टो वैसे वैसे लिखना है पूरा। अच्छा इसमें I2 क्यों नहीं यूज होगा, उसका रीजन ये है, I2 अगर यूज करोगे तो यहां क्या बनेगा, ब्रोमीन की जगह आयोडीन लगेगा ना, तो CO आयोडीन की बिगर साइज की वजह से अनस्टेबल होता है वो बनता नहीं है आसानी से, तो ये इंटरमीडिएट बनाना मुश्किल काम है, COI हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। और F2 के केस में क्या है कि F2 इज हाईली एक्सोथर्मिक, तो वो मल्टीपल हेलोजनेशन कर देता है, यानी वो रुकेगा नहीं यहाँ पे, यहाँ पे क्या FEF लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो HVZ का कॉन्सेप्ट है मोनो हेलोजनेशन वाला, ये तभी हो सकता है जब BR2 या Cl2, इसमें मल्टीपल हेलोजनेशन हो जाएंगे और इसमें ये इंटरमीडिएट जो बन रहा है ये अनस्टेबल होगा हमारा, समझ गया भाई, ठीक है। तो नीचे एग्जाम्पल लिखो, वहां लिख लो आप स्टेटमेंट, I2 एंड F2 विल नॉट यूज इन HVZ, I2 एंड F2 विल नॉट बी यूज इन HVZ आप इसका मैकेनिज्म बनाओ पूरा,
हो गया भाई, मैकेनिज्म लिखा आपने, मैकेनिज्म लिखने हैं पूरे, मैकेनिज्म लिखोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा, इंटरमीडिएट के क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाओगे। पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, आपने अल्फा एच हटा के ब्रोमीन लगा दिया होगा ना भाई, है ना। दूसरे वाले में भी अल्फा एच हटा के आपने ब्रोमीन लगा दिया, विद मैकेनिज्म लगाया होगा आपने पूरा। तीसरे में SOCl2 से क्या होगा बताओ, Cl लगेगा। फाइनली आपने Cl लगाया, Br लगाया, यहां तो Cl लग गया, फिर नेक्स्ट क्या होगा, इसका इनॉल बन के Br2 पे अटैक, फॉस्फोरस का तो कोई रोल नहीं होगा, और फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा ना। अल्टीमेटली लास्ट प्रोडक्ट में क्लोरीन लगा या बताओ ब्रोमीन लग गया, ब्रोमीन लगेगा ना, ये यानी ये जो Br2 है ये अल्फा की जगह पे लगेगा, समझे आप। यहां आपका एसिड हैलाइड है या एसिड ब्रोमाइड है उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस में निकल जाएगा वो तो। जैसे मैं ऐसे बोल दूं PCl3+Br2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी अगर आप HBZ कर रहे हैं और आपको ऐसी कंडीशन दे दूं मैं PCl3+Br2 एंड देन हाइड्रोलिसिस, तो एट द एंड क्या लगाओगे, ब्रोमीन या क्लोरीन, ब्रोमीन लगेगा ना इसमें। या फिर मैं आपको ऐसे पूछ लूं PBr3+Cl2 एंड देन हाइड्रोलिसिस, आप बताओ क्या लगाओगे, क्लोरीन या ब्रोमीन, आप लगेगा क्लोरीन। ये दोनों एग्जांपल पे लिख लो आप नोट्स में, बस ये जो थर्ड लिखा है ना उसी टाइप के एग्जांपल है। वो हमको मैकेनिज्म से समझना आता है कि इनॉल अटैक करता है Br2 पे, तो जो हेलोजन लेंगे Br2Cl2 वो लगेगा अल्फा पे। ये जो मैंने लिखा है ये बात समझ में आई आपको, है ना, मैकेनिज्म से समझ में आ रहा है ना ये। नोट कर लो अच्छे से, अगले साल IIT ने 350 सीटें बढ़ा दी है, 16,750 सीट है ना कुछ पूरे IIT में, कितने 17,650 है, अब 350 बढ़ी है अभी, अब वो उनको मिला के या हटा के ये पता नहीं, कह रहे हैं नए जो बच्चे आएंगे थोड़े ज़्यादा स्मार्ट आ रहे हैं, एक्स्ट्रा सीटें, थोड़ा सिंघाना जी भी आएंगे, उनके दोस्त वोस्त उनके भी चाहिए सीटें, नई क्रिएट कर दी 350। कोटा में भी वो कैंपस बन गया उसका, IIIT का, देखा तुमने, जब यहाँ से जाओगे ना वापस घर कैंपस देखते हुए जाना, अच्छा बाहर से बड़ा जबरदस्त बना है, महल टाइप एकदम, IIIT कोटा जो है ना, यहाँ से 5-7 किलोमीटर होगा, 5-7 10 किलोमीटर होगा,
गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर बनते जबरदस्त है लेकिन टाइम लगता है यार। अब वो ट्रिपल आईडी 5-7 साल पुराना है तो धीरे धीरे बना, 5-7 साल हो गए होंगे शायद। पहले तो वहाँ चलता था अपने NIT जयपुर में, अभी लास्ट ईयर से यहाँ स्टार्ट हुआ है। ऐसे IIT जोधपुर कई साल तक तो उसमें चलता रहा। MBM गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, मतलब राजस्थान में अच्छे कॉलेज में आता है। पहले उसमें चला 4-5 साल, अब उनका कैंपस तैयार हो गया, अब वो भी शानदार बना एकदम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब पैसा देती है ना, प्रोजेक्ट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में क्या होता है, पैसा अच्छे से देते हैं और सेंट्रल लेवल के लोग इन्वॉल्व होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होता है। फिर नेशनल हाईवे बनता है, देखा तुमने 4 लेन वगैरह, और एक स्टेट हाईवे बनता है। स्टेट हाईवे में क्या, स्टेट घर के लोग होते हैं ना, घर के मिनिस्टर हैं, घर के कॉन्ट्रैक्टर हैं, कई चीज़ें होती है। और उससे नीचे जो UIT वगैरह के काम होते हैं नगर निगम के, भाई साहब बहुत खतरनाक। मतलब 8-10 साल पहले की बात है, ज़्यादा हो गया हूँ, मैं विज्ञान नगर में रहता था तो UIT ने, नगर निगम ने हमारे घर के सामने, मैं एक रेंट पे एक घर पे रहता था बल्सर क्लासेस के पास में, तो उन्होंने वो ऐसे बड़ा सा एक नाला बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि भाई पूरे गली में एक नाला बनेगा ऐसे। तो घर के आगे खोद देते हैं ना 5-6 फीट, तो उन्होंने एक, हमने एक वो लकड़ी का लगा लिया, उससे आते जाते और मतलब वो नाला बन रहा था, तो मैं रोज़ देखता था। ठीक है, मैंने एक दिन गया, मैंने देखा उन्होंने पुराने खुदाई उदाई कर दी अच्छे से, मैं यार शानदार बना रहे हैं एकदम ठीक है। फिर दूसरे दिन वापस आया, मैंने देखा अंदर चुनाई समझते हो, अंदर कुछ नहीं किया उन्होंने चुनाई वगैरह ना, साइड में थोड़ा हल्का फुल्का किया, मुझे नई टेक्नोलॉजी होगी कुछ ठीक है। फिर हल्की फुल्की ऐसे मतलब टेम्परेरी करता है ना वैसा करके, फिर 30 दिन मैंने देखा वो पत्थर ला के लगा दिए ऐसे नॉर्मल, इधर उधर ऐसे पत्थर देख के कंडीशन समझ में आ रहा था कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी के जो पत्थर होता है ना वो ला के लगा दिए, मुझे लगा नई टेक्नोलॉजी होगी मजबूत कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट दिन देखा उसके ऊपर मिट्टी लगाई, मैं अब सीमेंट लगेगा। तो जिस दिन सीमेंट लगाने की बारी आई ना, उस दिन उसने पूरी गली में एक ही दिन में सीमेंट लगा दिया। उस सीमेंट के 4-5 कट्टे लेके आया, वो अपन स्प्रे करते हैं ना स्प्रे, है ना, या चेहरे पे पाउडर लगाते हैं ना पाउडर ऐसे कि भाई मैं गोरा गोरा दिख जाऊँ, ऐसा ना पाउडर लगाते हैं वैसे। उसने इतना कम सीमेंट यूज किया, मतलब मैं देख के दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा यार हद है करप्शन किया। 4-5 कट्टे सीमेंट में पूरी गली उसने कर दी, जबकि प्रैक्टिकली उतनी सीमेंट 1-2 घर पे लगनी चाहिए थी। तो वो कर गुरा के जिस दिन वो बनाया ना उन्होंने, उस दिन उसने पूरा, आप उसकी फोटो वगैरह ली उन्होंने, क्या शानदार दिख रहा था कि ऊपर वो पाउडर लगा हुआ, गोरा आदमी दिखता ना पाउडर लगा हुआ, पर फोटो लेगी गोरा नहीं, फोटो वोटो खिंचवा ली अच्छे से। 2-4 दिन बाद हम चले उस पर, वो तो निकल गया वापस। अब नीचे आपकी रिस्क है, अब आप ठीक करो। तो फिर जो मैंने जो भी किया हमने उसको फिर ठीक किया, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये काम होता है ऐसे। और सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, इतने 1000 करोड़ रुपये आते हैं कि आदमी कहाँ कहाँ क्या क्या करेगा, समझ रहे हो तो मेरी बात। तो तुम्हें देश में पॉलिटिशियन की बहुत ज़रूरत है बच्चों को। आज मैं अंजय सर से बात कर रहा था, मैंने कहा अंजय सर पॉलिटिक्स के बारे में बात चल रही थी, उनकी भी यही राय थी यंग जनरेशन को आना चाहिए। अब आगे लिखो लिखो टेस्ट फॉर एल्कोहल, आगे लिखो आप टेस्ट फॉर एल्कोहल। एल्कोहल का टेस्ट, एक तो अपन एक्टिव मेटल से एल्कोहल का टेस्ट कर सकते हैं। ये बताओ एक्टिव मेटल और एल्कोहल का क्या टेस्ट होता है? अगर मैं आपको एल्कोहल दे दूं और एक्टिव मेटल दे दूं, एक्टिव मेटल में सोडियम पोटेशियम या एल्युमिनियम, तो क्या ऑब्जर्वेशन होता था हमारा, कौन सी गैस इवॉल्व होती थी बताओ? 1/2 mole of H2 gas, ये होता था, है ना। और अगर मैं ये रिएक्शन ईथर में कर दूं तो बताओ ईथर और एक्टिव मेटल में क्या होता है? नो रिएक्शन। इसका मतलब हो गया कि हम एक्टिव मेटल से किसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एल्कोहल एंड ईथर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला लिखो आप एक्टिव मेटल, वी कैन डिफरेंशिएट एल्कोहल एंड ईथर बाय एक्टिव मेटल। ईथर से रिएक्शन क्यों नहीं होती है? ईथर इज ए बेस, है ना, ईथर तो बेस है, एक्टिव मेटल इलेक्ट्रॉन देगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन आ गया बेस या न्यूक्लियोफाइल है,
एच प्लस डालना चाहिए अपने को। अरे लिख लिया सबने, माई स्टेटमेंट भी लिखो आप नीचे, एक्टिव मेटल इज यूज टू डिफ्रेंशिएट एल्कोहल एंड ईथर। एक्टिव मेटल इज यूज टू डिफ्रेंशिएट एल्कोहल एंड ईथर। इट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट एल्कोहल एंड ईथर। एक और एल्कोहल का टेस्ट हम कर चुके हैं वैसे, लुकास रिएजेंट है ना, दूसरा अपना लुकास रिएजेंट जो हम पहले ही कर चुके हैं। लुकास रिएजेंट वैसे किसको बोलते थे, कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2। इससे क्या डिफ्रेंशिएट करते थे, इट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। और ऑब्जर्वेशन क्या होता था, टर्बिडिटी अपियर्स इमीडिएटली है ना। टाइप ऑफ मैकेनिज्म कौन सा होता था, SN1। एल्कोहल से हैलाइड बनाते थे ना, इसको लिख लो लुकास। तीसरा जो है ये सिर्फ जेई मेंस के हिसाब से है, एक टेस्ट होता है एल्कोहल का, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट। इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि सैरिक अमोनियम नाइट्रेट, जिसको CAN कैन भी बोलते हैं, इट इज अ टेस्ट फॉर एल्कोहल। सैरिक अमोनियम नाइट्रेट इज अ टेस्ट फॉर एल्कोहल। क्या बात, इसमें गैंग के लोग आए हुए हैं आज, ये भी अल्टरनेट आते हैं, रोज आते हो क्या तुम? अच्छा ऑनलाइन क्लास कर लेते हो, कभी कभी रोज दिखते नहीं है मेरे को, कुछ लोग दिखते हैं एकदम, दिखते हैं गायब हो जाते हैं, दिखते हैं गायब हो जाते हैं। अच्छा लेट हो जाते होते तो ऑनलाइन कर लेते होंगे। अच्छा लिख लिया आपने, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट इज अ टेस्ट फॉर एल्कोहल। अभी जैसे कोटा में कोचिंग में बच्चे कम हो गए ना, तो ऐसे ही हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो मतलब एक व्यू था कि IIT की कोचिंग जो है ना उसके लिए है ना, सिर्फ टीचर पढ़ाए और बच्चा पढ़े वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बच्चे को खुद जो पढ़ना है ना, मतलब उसको सेल्फ उस माहौल में रहना है, क्योंकि बहुत टफ एग्जामिनेशन है ना। तो जैसे होता है ना भाई, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, ऐसा नहीं राजस्थान में रह ली और माउंट एवरेस्ट चढ़ने चले गए, है ना। तो आपको क्या 24 घंटे उस रंग में रंगना पड़ता है, 24 घंटे रंग में रंगने मतलब क्लास करना, फिर उसका होमवर्क करना, फिर उसका डिस्कशन करना, और फिर मतलब दिमाग में हर समय वही उस माहौल में रहना। तो वो माहौल में कैसे रहोगे, ऐसे नहीं मैं कचौरी की दुकान में चले गए, कचौरी वहाँ तो कचौरी वाली बात करेंगे सब। तो आपको जैसे यहाँ से गए हॉस्टल गए या PG गए है ना, तो आपने देखा सराउंडिंग में 5-7 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी उसी की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, माहौल मिलता है, स्कूल में होता है ना, कॉलेज में होता है, कैंपस में होता है वैसे। तो आपको उस माहौल में रहना पड़ता है हमेशा, उसके लिए क्या होता है सराउंडिंग में दूसरे बच्चे भी चाहिए जो उस टाइप की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप चाहिए ना, सर्किल पूरा। तो इसीलिए कोटा जैसी जगह में जो टफ एग्जाम होंगे ना, IIT नीट का मुझे इतना नहीं पता, IIT जो है नीट में हो सकता है यार थोड़ा इजी एग्जाम है ना, इसलिए है ठीक है। और हम तो IIT ज़्यादा पढ़ाते हैं, नीट भी पढ़ाता हूँ, ऐसी बात नहीं है ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फायदा बच्चे को तभी मिलेगा, 5-10 को छोड़ दो तुम, जब वो 24 घंटे उस IIT के रंग में रहेगा। अब मान लो किसी होम टाउन में रह रहा है, सुबह स्कूल चला गया वो, है ना, वैसे स्कूल यहाँ भी जाते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी बच्चे तुम स्कूल जाते हो, है ना ठीक है। तो जैसे मैं दिल्ली में पढ़ाता था ना, दिल्ली में बच्चे सुबह 5 बजे निकलते थे भाई, दिल्ली में तो क्या कि यहाँ से वहाँ जाना है तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, तो 5 बजे घर से निकले, 5 बजे नहीं मतलब 1-2 घंटे। एक तो ऐसे कुछ बच्चे ऐसे थे जो हरियाणा बॉर्डर से आते थे, तो आप वो 1.5 घंटा सुबह जाना, फिर पूरे दिन स्कूल, फिर 3 बजे कोचिंग में आना, फिर 7 बजे छुट्टी, फिर वो घर जाते हैं, वापस कब पहुंचते वो 9-10 बजे। तो फिर वो पढ़ेगा कब, और जब तक वो खुद पढ़ेगा नहीं
तब तो कुछ नहीं होना है। तो इसलिए हमको लगता है कि कोटा जैसी जगह में कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जैसी चीजों के लिए तो परफेक्ट है ना भाई। दो साल संग बोर्डिंग स्कूल में होता है ना, एकदम अलग माहौल में रहना उसलिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे घर बैठ के नहीं कर सकते, घर बैठ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका डेडिकेशन लेवल जबरदस्त चाहिए फिर, कि यार मतलब एकदम स्ट्रिक्टली वो घर बैठ के कर रहा है, हर दिन वैसा डेडिकेशन चाहिए तो कर सकता है। बात समझ में आई? ऐसा नहीं भाई घर बैठा है, मतलब पड़ोस में शादी के बैंड बाजे बज रहे हैं, चार दिन वहां चले गए कि चार दिन शादी में जा रहे हैं, वहां गए कुछ और बातें स्टार्ट हो गई कि यार वहां क्या चल रहा है। तो आपका दिमाग जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, हर वक्त आपके दिमाग में 80% टाइम वही चलना चाहिए आईआईटी से रिलेटेड, मेरा ये सब्जेक्ट में कम आ रहा है, मेरा वो बढ़ रहा है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये करना है। तो उस माहौल में जब आप रंगे रहोगे ना तो अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। बात समझ में आई तुम्हारे? ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें बहुत सारे इनडायरेक्ट एडवांटेज है यहाँ कोटा में रहने के, उसका फायदा उठाना चाहिए। आप चौथा लिखो, दूसरा छोटा शहर है, बड़े शहर का एक ड्रॉबैक होता है ना, कोटा में अभी तो थोड़ा डेवलपमेंट भी हो गया, पहले तो आप जाकर कर क्या लोगे, जाओगे कहाँ, अब तो ठीक है सिटी पार्क दो चार चीजें हो गई, तो ऐसा होता है ना बड़ा शहर है एकदम बैंगलोर टाइप हाई फाई, बड़े बड़े मॉल, दो दो किलोमीटर के मॉल बने हैं, गार्डन है, ये है, खेलने की खूब चीजें हैं, बड़े बड़े वो फन जोन, स्पोर्ट्स जोन, वाटर पार्क, पता नहीं क्या क्या है। तो कोई बच्चा उस पर आ जाए कि मस्ती में रहना है, थोड़े बहुत पैसे हो तो टाइम पास कर लेगा खूब, यहाँ वो कर भी क्या लेगा, एक दिन दो दिन तीन दिन, बस ये इंटरनेट आने से तो डिस्ट्रैक्शन हो गया, बाकी पहले वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता था, वो घूमने बाहर निकलेगा एक दो किलोमीटर यहाँ बाहर जाएगा शहर खत्म हो जाएगा, है ना, और देखेगा बच्चे बच्चे जा रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो वो घूम फिर के चार पाँच दिन बाद सेट हो जाता था कि कुछ है ही नहीं, तो चलो किताब ही देखते हैं, आधे मन से किताब खोली ऐसे, चलो पहले पन्ना ही पढ़ लेते हैं, है ना, तो वो धीरे धीरे फिर देखता है उस माहौल में, फिर देखता है चार दोस्त हैं, तीन दोस्त पढ़ रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्त आपके अच्छे रखने हैं, आपको पढ़ने वाले, सिंघाड़ा जी सुन रहे हो, ठीक है, तुम्हारा दोस्त पढ़ने वाला ऐसी बात नहीं है, उससे है ना मतलब बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं रखना है, इतना वो पढ़ाकू हो कि वो अपना ही पढ़ता रहे पूरा, ऐसा जो थोड़ा तुमको मोटिवेट भी करे, स्लाइटली ऊपर हो अपने से, उसके साथ रहना है ना, नजर तो उस पर रखनी है जो सबसे आगे है, लेकिन रहना उसके साथ है ना, तो आपको थोड़ा समझे, ऐसा नहीं मतलब आपको आपके साथ थर्ड ग्रेड ट्रीटमेंट कर रहा है, मतलब फर्स्ट रैंक आ रही है मान लो, तुम जाके सिंघाने जाके मुझे सवाल बता, टाइम नहीं है भाग यहाँ से, ठीक है सिंघाने भी मन से ऐसे निकल गए, ऐसा दोस्त भी नहीं होना चाहिए जो बोला ना टाइम नहीं उसके बाद जाना नहीं जिंदगी में वापस, समझ गए सिंघाने जी। तो दो चार दोस्त बनाओ, मिल के पढ़ो तो फायदा होगा बहुत, सिंघाने जी बहुत सिंसियर आदमी है। अब ये बताओ FECL3 के, ये लिखो टेस्ट फॉर फिनॉल, और सबसे बड़ी कमी जो है ना कोटा में, पता है सबसे बड़ी कमी पता है क्या है, सबसे बड़ी कमी है कि हम बच्चों को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, बच्चे घर जाके क्या करते हैं, हॉस्टल में क्या करते हैं, वो उनके सेल्फ है, ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, ऐसा हमको पता ही नहीं है कि कितने घंटे पढ़ा, इसने कितना एफर्ट लगाया, कितने क्वेश्चंस बनाए, एक होता ना भाई क्लिक किया पूरी प्रोफाइल बन जाए उसकी, है ना, अब हर बच्चा घर जा रहा है, घर जाने के बाद हर बच्चा पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, होमवर्क कितना कर रहा है नहीं कर रहा है, टेस्ट कितना दे रहा है, उसका पूरा जो ट्रैकिंग होना चाहिए ना वो नहीं हो पा रहा है, वो हो जाए ना, जैसे हमको मुझे अभी देखना है सिंघाने जी के बारे में, तो सिंघाने जी का रोल नंबर एंटर किया था, हमारे पास क्या डेटा आता है, सिंघाने जी कब कब क्लास में आए, ठीक है ट्यूसडे को आए या वेनेसडे को आए, वो आता है, ठीक है दूसरा आता है सिंघाने जी ने कितने टेस्ट दिए और उसमें क्या क्या मार्क्स रहे, बस कितना डेटा आता है बस, हमें इधर पता है सिंघाने जी जब घर गए, घर जाके कितने घंटे पढ़े, कितने क्वेश्चंस उन्होंने कल के पूरे दिन में बनाए, है ना, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 6-7 घंटे पढ़े होंगे, है ना, वैसा सिंघाने जी 9 घंटे पढ़े, और हमारा सिस्टम तो कम दिखा रहा है जो कि पढ़े वो 9 घंटे, तो वो ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है ना, इसलिए हर बच्चे को लगता है कि यार मैं तो परफेक्ट जा रहा हूँ, क्योंकि वो इंडिविजुअली अपने को अपने से कंपेयर कर रहा है, मैं ही फर्स्ट हूँ मैं ही सेकेंड हूँ, अकेला ही दौड़ रहा है वो, है ना, तो कंपेरिजन कैसे होगा, अब वो एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये बताओ
इसमें फिनॉल में जब FeCl3 डालते हैं ना, ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, ये एल्कोहल में नहीं बनता है। ये बड़ा एडवांस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वी कैन डिफ्रेंशिएट एल्कोहल एंड फिनॉल बाय FeCl3। बेसिकली इनॉल का टेस्ट होता है, इनॉल का है, लेकिन फिनॉल इज इनॉल। तो आप ये याद रखो कि फिनॉल रिएक्ट विद FeCl3 टू गिव वायलेट कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली वी कैन डिफ्रेंशिएट एल्कोहल एंड फिनॉल बाय FeCl3। ये स्टेटमेंट आपको नीचे लिखना है। क्या लिखना है आपको? वी कैन डिफ्रेंशिएट एल्कोहल एंड फिनॉल बाय FeCl3। वी कैन डिफ्रेंशिएट एल्कोहल एंड फिनॉल बाय FeCl3। ठीक है, तो इतना ही करें अपना। फिनॉल अल्कोहल ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एक दो टेस्ट और बताएंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे अपन एल्डिहाइड कीटोन। तो तुम वो सीट की एक्सरसाइज ट्राई करके आओ एक बार, समझ गए आप? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। एक वो अल्कोहल के टेस्ट लिखे थे ना हमने, एक ये लिखो K2Cr2O7। टेस्ट फॉर अल्कोहल है ये, बताओ 1 डिग्री अल्कोहल में K2Cr2O7 डालते हैं तो +6 से क्या बनता है? ये +3 ग्रीन कलर। लिखो जरा, ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल में K2Cr2O7 डालते हैं, ये बनता है कीटोन। और कौन से डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है? 9 रिएक्शन, यानी आप 1 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। 1 डिग्री 3 डिग्री को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, या फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। लिखो इसको। और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता है? एब्सेंस ऑफ अल्फा एच। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये काफी यूज भी होती है हाईवे पुलिस, है ना, पुलिस में काफी यूज करते हैं इसको। पुलिस कैसे यूज करती है इसको? ये वाला फर्स्ट वाला रिएक्शन पुलिस कैसे यूज करती है? पुलिस के पास एक इक्विपमेंट होता है, ब्रेथ एनालाइजर, देखा आपने भाई? जब भी ये हाईवे पुलिस या आप देखना, उनको जब डाउट होता है ना किसी पे, तो वो फिर वो उसको रोक के ऐसे सांस लेने को बोलते हैं जोर से। जैसे ही सांस लेते हैं ना, तो अल्कोहल की कंसंट्रेशन पता चल जाती है। तो अपने गवर्नमेंट के नियम है, खैर भाई, इतना अल्कोहल अलाउड है ना। आप ड्राइव करते हो, इतना अल्कोहल लेके चला रहे हो, आप एक्सीडेंट कर रहे हो, लोगों की जान से खेल रहे हो ना। तो फिर जैसे ही आपका अल्कोहल की लिमिट यहाँ से यहाँ होती है ना, फिर आप गवर्नमेंट के मेहमान हो जाते हो, है ना। फिर आपको अलग गाड़ी में बैठाते हैं, एकदम अलग से, अच्छे से शहर के बाहर खुली हवा में ले जाते हैं, एकदम हाई सिक्योरिटी होती है वहाँ पे। कपड़े भी देते हैं वहाँ, वाइट कलर के कपड़े मिलते हैं लाइनिंग वाले, खाना भी फ्री है, सरकार की तरफ से रहता है सब। आपको कोई भी सरकार की सुविधा लेनी हो तो अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करके ले सकते हो। एसी बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है। अच्छा अच्छा पवन, थोड़ा सा एसी है ना, टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ा सा ही बढ़ाना, इधर ऐसे ही ज़्यादा कर रहे हैं। वहाँ नीचे लिखो, इट इज़ यूज्ड बाय हाईवे पुलिस, इट इज़ यूज्ड बाय हाईवे पुलिस
दूसरा ये भी लिखो, डू नॉट ड्राइव वाइल ड्रिंकिंग एल्कोहल। गाड़ी नहीं चलानी है आपको, ऐसा नहीं पीते थे। अभी मैं साइकिल चला था ना, परसों की बात है, मेरे बाजू से एक कार में दो यंग लड़के थे एकदम, है ना, वो हाई स्पीड से आए एकदम, आगे गए फिर वापस आए, मेरे को बोले कि आप कहाँ के हो, मैंने कहा तुम कहाँ के हो। तो मैंने कहा, उसने कहा कि मैं कोटा का हूँ, मैं हम भी कोटा के हैं। तो उन दोनों के बीच में ना अल्कोहल की बॉटल रखी हुई थी और वो पी रहे थे दोनों। फिर वो आगे चले गए, 5-7 किलोमीटर हुए, फिर मैंने देखा हाईवे के साइड में बारिश हो रही थी ना, हाईवे के साइड में थोड़ा पानी भरा हुआ था, वहाँ गाड़ी लगाई उन्होंने साइड में, और वो छोटा सा जो पॉन्ड टाइप बना था वहाँ बैठ गए, वहाँ आराम से पी रहे हैं और खा रहे हैं। यार मतलब गजब कर रहे हो यार, पी रहे हो खा रहे हो, ठीक है, घर में खाना चाहिए, पहली बात तो घर में पीना चाहिए, फिर तुम ड्राइव करोगे हाईवे पे, जबरदस्त है यार। अब मैं तो उसको कह नहीं सकता ना, मैं स्टूडेंट था, एल्कोहल नो टू एल्कोहल, समझ गए, लिख लिया आपने अच्छे से। जब भी एक्सीडेंट होता है, अपने इंडिया में कानून कब लागू होते हैं, जब कुछ होता है ना, तो जैसे ही एक्सीडेंट होगा ना, तुम देखना सबसे पहले पुलिस क्या करती है, उस जिसने एक्सीडेंट किया उसको पकड़ के सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसका हॉस्पिटल लेकर तुरंत उसका ब्लड निकाल के उसका एल्कोहल कंसंट्रेशन निकालते हैं। जैसे अगर एल्कोहल मिल गया उसमें, तो फिर लॉ चेंज हो जाता है। पहले लॉ ये है कि भाई ये नॉर्मल एक्सीडेंट है, ठीक है, हो सकता है आपसे गलती हो, लेकिन एल्कोहल है और आपने फिर आपसे गलती नहीं है, फिर आप ही कल्प्रिट हो, फिर प्रोसेस चलता है पूरा। तो बहुत खतरनाक लॉ है, मतलब ऐसा नहीं है, इसलिए अपने को एल्कोहल से बचना है। किससे बचना है भाई? एल्कोहल से बचना है। हर जगह मिलेंगे तुमको, कॉलेज में, जॉब में, नेक्स्ट लिखो अल्कोहल का टेस्ट केमिनोफोर के साथ। अल्कोहल में केमिनोफोर डालते हैं ना, तो ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है, MnO2 का ब्राउन पीपीटी रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। ये भी अल्कोहल का टेस्ट है, ऑब्जर्वेशन इज ब्राउन पीपीटी। And what about 2 degree alcohol? इसमें अपन KMnO4 लेंगे रूम टेम्परेचर पे, तो ये कीटोन बनाएगा। अरे ये कौन कौन बात कर रहा है, लेवल बस कहाँ गए? ब्राउन होता है ना यार, कहाँ ब्लैक होता है, किताब में ब्राउन लिखा है, मैंने किताब में देखा है, तो मैं उससे किताब में ही ब्राउन को ब्लैक देखा है, कहीं लिखा हुआ ब्लैक देखा, सर को बोला मैंने ब्राउन देखा है, और फिर वो सर कहेंगे वही फाइनल है, मैंने तो ब्राउन देखा है, ब्राउन पीपीटी। पूरी बात बताना कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से MnO2 बना, वो ब्राउन पीपीटी है। इवन बोला MnO2 क्या है, सराउंडिंग लिगेंड से भी चेंज हो जाता है वो, है ना, कि भाई ब्लू है, पूरी बात बताओ ना कि एयरफोर्स का ब्लू, बच्चे है ना आधी दूरी बात बताते हैं, देखते हैं सर को पूछते हैं क्या होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, KMnO4, हमारे 3 KMnO4 हो गए, याद है आपको, एक था कोल्ड, एक था हॉट, एक है रूम टेम्परेचर, सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे मराठी मानुस के लेफ्ट में जो बैठे हैं, बताइयो भाई लेवल 1 में आयो, पीछे जाओ, पीछे वाले पे, तुम ऑलरेडी बैठे ही पीछे हो यार, लिख लिया पूरा, वहाँ लिखो आप, वी कैन डिफ्रेंशिएट 1 degree एंड 3 degree अल्कोहल, और क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 degree और 3 degree अल्कोहल बाय KMnO4, और 2 degree और 3 degree अल्कोहल बाय KMnO4।
समझ गया भाई। Bye.